हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके गूगल पे ऐप में यूपीआई आईडी इनवैलिड बताता है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने अपने गूगल पे ऐप में यूपीआई आईडी को एंटर किया है ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो मेरा यूपीआई आईडी जो है इनवैलिड बता रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं होता, इसमें वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। ये यहाँ पर जब भी आप यूपीआई आईडी एंटर करते हैं तो यूपीआई आईडी आपको ठीक से एंटर करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर है और इसके आगे @ है और PT YET लिखा हुआ, PT YET। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी एक स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी यूपीआई आईडी इनवैलिड बताएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब कभी आप यूपीआई आईडी एंटर करते हैं तो उसे आपको ठीक से एंटर करना है और सही एंटर करना है। ठीक है, और पूरा प्रॉपर एंटर करना है, तभी आपकी वो यूपीआई आईडी इनवैलिड नहीं बताएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने लास्ट में से टी को कट करके एस लगा दिया, PT YES हो गया। ठीक है, अब मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है सुनील कुमार के नाम से बैंकिंग नेम भी शो हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस बार हमारी जो है यूपीआई आईडी सही एंटर करी है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई भी यूपीआई आईडी जो है गलत बार बार दिखा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपका जिस किसी एप्लीकेशन की यूपीआई आईडी है, मान लीजिए आपकी पेटीएम की यूपीआई आईडी है, तो पेटीएम ऐप खोलते हैं तो इसके नीचे आपकी यूपीआई आईडी यहाँ पे लिखी हुई दिखाई देती है। इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं, उंगली से दबा के रखेंगे तो एक कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉपी नहीं होता है तो यूपीआई आईडी यहाँ पे आ जाएगी अगले पेज पर, से आप ये कॉपी का ऑप्शन है, इस पर आप कॉपी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है किसी भी एप्लीकेशन की यूपीआई आईडी को कॉपी करके और उसे आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब मैं पेस्ट करूँगा तो पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी अगर ये इनवैलिड यूपीआई आईडी की प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,